सो है नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आप सब दोस्तों को टेक्निकल सार्जिकल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले रियल क्रिकेट 22 गेम की इन अपडेट के बारे में, कुछ फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ जो कि ऑफिशियली कंपनी ने राइवल्स की और काफ़ी सारे लोग पूछ भी रहे थे। तो इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ बताने वाला हूँ विद ऑफिशियली प्रूफ के साथ। तो वीडियो बहुत ही खास, इसलिए यार वीडियो को जरूर एंड तक देखना, बाकी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लेना। तो चलिए दोस्तों आज की अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट, लेट्स गो। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, कल जो है कंपनी ने शॉट ऑफ द वीक जो रिलीज किया था, उस वीडियो के अंदर हमें एवी डिविलियर्स का जो रियलिस्टिक शॉट देखने मिला था जो कि हमें मिलने वाला है बहुत ही जल्दी, जो कि शॉट ऑफ द वीक था। तो हम क्वेस्ट द्वारा अनलॉक वगैरह कर सकते, टोटली रियलिस्टिक शॉट है, काफ़ी बढ़िया। और साथ में उसकी जो दक्षिण अफ्रीका की भी न्यू जर्सी, आई थिंक ये ओल्ड जर्सी है, पुरानी पहले आई थिंक ऐसी जर्सी थी, तो कुछ ओल्ड मैचेस में ये जर्सी देखने मिल सकती है। एंड दोस्तों उसके बाद जो वेस्ट इंडीज की भी जो आई थिंक ये अभी है जर्सी, वो कुछ में कुछ नहीं। लेकिन दोस्तों काफ़ी सारे सोशल मीडिया पर काफ़ी सारे बंदे कमेंट कर रहे थे यहाँ पर, जो काफ़ी सारे उसके अंदर कैमरा एंगल्स भी दिखाए गए हैं, तो इसके ऊपर काफ़ी कंफ्यूजन है, काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि न्यू कैमरा एंगल्स भी आएगा। क्योंकि दोस्तों ये वाली इमेज आप लोग देख सकते हैं एम्पायर की, यहाँ से ये न्यू कैमरा एंगल है, अभी तक किसी भी शॉट ऑफ द वीक के अंदर हमें दिखा नहीं गया, तो इससे काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज है क्या भाई ये न्यू अपडेट के अंदर आने वाला है, या फिर दोस्तों मतलब कि सोच रहे हैं काफ़ी सारे लोग। और काफ़ी सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई शॉट को कुछ अति यूनिक बनाने के लिए, मतलब देखने में काफ़ी बढ़िया लगे, कुछ यूनिक बनाने के चक्कर में कंपनी ने जो है न्यू कैमरा यहाँ पर जो है इस यहाँ से लिया गया है शॉट ऑफ द वीक पर, और काफ़ी सारे लोग सोच रहे हैं कि भाई ये न्यू कैमरा एंगल है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक न्यू ही कैमरा एंगल हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अभी तक यहाँ पर जो है किसी भी शॉट ऑफ द वीक में ऐसा कैमरा एंगल एम्पायर के यहाँ से दिखाया नहीं गया। तो दोस्तों मैं भी दोस्तों ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन दोस्तों इस शॉट ऑफ द वीक के अंदर जो हमें काफ़ी सारे कैमरा एंगल्स भी दिखाएंगे, और वैसे भी कंपनी हमें काफ़ी सारे कैमरा एंगल जो है मतलब अपडेट्स के अंदर देती है, हर बार कुछ ना कुछ चेंज होती हैं, तो इस बार न्यू अपडेट के अंदर में काफ़ी सारे कैमरा एंगल्स मिल जाएंगे। बट ये सस्पेंस है कि भाई एम्पायर के यहाँ से ये कैमरा एंगल्स आएगा या फिर जो कि गाजर देखने में टोटल रियलिस्टिक, आप लोग मैंने बता ही दिया कितना तगड़ा लग रहा है, तो भाई ये कैमरा एंगल्स आ सकता है। बट काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूज थे, इसलिए मैंने वीडियो बना के बता दूँ कि हाँ भाई ये न्यू कैमरा एंगल दिखाया गया है। मैं भी दोस्तों आ भी सकता है, और ये ऐसा भी हो सकता है कि शॉट ऑफ द वीक को थोड़ा यूनिक बनाने के चक्कर में कंपनी ने यहाँ से कुछ एंगल वगैरह ले भी लिया, और ऐसा भी हो सकता है क्योंकि शॉट ऑफ द वीक में काफ़ी सारे कैमरा एंगल्स जो हम लोग को दिखाए जाते हैं, तो हम इस पर शोर नहीं हो सकते कि ये न्यू कैमरा एंगल है न्यू अपडेट में आ सकता है। तो दोस्तों होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो में, तो बस इतना ही, एक छोटी सी वीडियो थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था, होप कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सर लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ सर आपके भाई को सपोर्ट करो, वीडियो पे व्यूज़ बहुत कम आ रहा है, तो प्लीज़ सर आपकी सपोर्ट की मुझे जरूरत है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर से देखा करो और प्लीज़ सपोर्ट करो। तो दोस्तों और दोस्तों अब व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप लोग जो ज्वाइन हो सकते हो। दोस्तों मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाबा गुरबाज़न, वंदे मातरम।